A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12. And the name of the chapter is 3D. 3D means I am talking about the three-dimensional geometry. This one is the second lecture on the exercise 13.6. So I do continue from the previous one. If you still not watch the previous one lecture, so please do watch that lecture first. अब हम यहाँ इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू द नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं इन माय प्रीवियस वन लेक्चर में, तो अब उस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन हूज वेक्टर इक्वेशंस आर दिस। तो आपको पता है जब आपको वेक्टर इक्वेशन दी जाती है, इट मींस क्या है इस केस में, आर वेक्टर आपको पता है, आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है आपका क्यू, और वेयर आर क्या होता है, आर वेक्टर बेसिकली आप पोजीशन वेक्टर, ये हमारा क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है ऑफ एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट्स का मतलब कोई भी पॉइंट आप प्लेन पे कंसीडर करते हो, लेट पॉइंट है हमारा एक्स वाई जेड, तो आर वेक्टर क्या होगा इसका पोजीशन वेक्टर, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये फॉर्म है आपकी कौन सी, वेक्टर इक्वेशन। अब आपको क्या लिखनी है, कार्टेशियन इक्वेशन। तो आर वेक्टर की वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के डॉट प्रोडक्ट एन, एन वेक्टर आपको दिया हुआ है, आई प्लस में जे माइनस में के कैप इज इक्वल टू टू, आई डॉट आई वन होता है, मीन्स क्या बन गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू टू। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी टाइप से इसको सोल्व करेंगे, सेम रिजल्ट आएगा, कैसे, आर वेक्टर है, फिर यहां पे क्या पुट करेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करनी है, टू आई प्लस में थ्री जे माइनस में फोर के इज इक्वल टू वन, तो दिस बिकम्स टू एक्स प्लस में थ्री वाई माइनस में फोर जेड इज इक्वल टू वन। तो ये हमारी वेक्टर इक्वेशंस आ गई और ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन। सो दिस वन इज द आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, ओनली जस्ट चेंज करना था कार्टेशियन वेक्टर इक्वेशंस को कार्टेशियन इक्वेशन। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। पहले क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, अब यहां पर क्या है, वेक्टर इक्वेशन, इसका मतलब अपोजिट करना है। आपको पता है r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू क्या होती है, ये हमारी वेक्टर इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको क्यों डिस्टेंस निकालना होता है, तो इसमें से जो टर्म्स कांस्टेंट है उसको मूव करिए ऑन द राइट हैंड साइड, तो x माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू नेगेटिव वन। बट आपको पता है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो आप इसको हमेशा पॉजिटिव बनाइए। So this becomes minus x plus 2y minus 3z is equal to 1. अब इसको r वेक्टर के टर्म्स में चेंज करना है, तो इसको सिंपली आप लिख सकते हो r डॉट, क्योंकि r क्या होता है xi yj z के, और ये बन जाता है आपका क्या a b c मतलब नॉर्मल वेक्टर। तो यहां से मिल जाएगा आपको माइनस i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 3k कैप इज इक्वल टू 1। ये आपकी क्या बन जाएगी, वेक्टर इक्वेशन। किसी बुक में आपको ये भी आंसर गिवन होगा, इस स्टेप के बाद आपको डायरेक्ट यहां से मिल जाएगा आपको r वेक्टर डॉट i माइनस 2j प्लस में 3k इज इक्वल टू नेगेटिव 1। तो आपको आंसर ये भी मिल सकता है आपको आंसर ये, लेकिन बेस्ट टेबल आंसर क्या है मेरे अकॉर्डिंग ये रहेगा। आई होप आपको समझ आ गया है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट ओनली वन मार्क्स में आएगा कि वेक्टर इक्वेशन दे दी जाए कार्टेशियन में, लिखिए कार्टेशियन दे दी जाए वेक्टर में, लिखिए, सो इट्स सो सिंपल। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, फाइंड क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। नॉर्मल वेक्टर मतलब एन वेक्टर, और एन वेक्टर आपको पता है कहां पर आता है, वेक्टर इक्वेशन में, हमें पता है वेक्टर इक्वेशन
ऑफ अ प्लेन क्या होती है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू क्यू। तो सबसे पहले ये फॉर्म कौन सी है हमारी, कार्टेशियन इक्वेशन। तो इसको किस में चेंज कर दो, वेक्टर इक्वेशन से। तो सबसे पहले कॉन्स्टेंट को मूव कर दीजिए ऑन द राइट हैंड साइड, x प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो है, तो x प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू सिक्स। तो यहां से अब वेक्टर इक्वेशन बन सकती है r वेक्टर डॉट i कैप प्लस में टू j कैप प्लस में थ्री k कैप इज इक्वल टू सिक्स। इसको इक्वेशन नंबर वन कंसीडर कर लीजिए, इसको टू बाय कंपेयरिंग कर लीजिए। इक्वेशन वन एंड टू को कंपेयर करते हैं, वी गेट हमें क्या मिल जाएगा, r वेक्टर r डॉट n, n क्या मतलब है नॉर्मल वेक्टर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, i कैप प्लस में टू j कैप प्लस में थ्री k कैप, दिस वन इज द आंसर। क्यों, क्योंकि आपको क्या फाइंड आउट करना था, नॉर्मल, और n वेक्टर क्या होता है आपका, नॉर्मल वेक्टर होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ फोर यूनिट फ्रॉम द ओरिजन। अब डिस्टेंस दिया गया है फ्रॉम द ओरिजन, तो आपको पता है नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू क्या होता है, p। यहां पर p क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम द ओरिजन, और n कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल। तो ध्यान से देखिए, यहां पर हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस ऑफ फोर यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, इसका मतलब यहां पर हमें p की वैल्यू गिवन है फोर यूनिट। अब हमें निकालना है n कैप और फ्रॉम द ओरिजिन n विच इज नॉर्मल, नॉर्मल यहां पर नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर का मतलब होता है n वेक्टर। तो आपको n वेक्टर भी गिवन है, n वेक्टर इज इक्वल टू टू आई माइनस में थ्री जे प्लस में सिक्स टी। फॉर्मूले पे क्या यूज होता है, n कैप। तो यहां पर हम n कैप निकाल सकते हैं, यूनिट वेक्टर n वेक्टर डिवाइडेड बाय n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो क्या बन जाएगा, ये टू आई माइनस में थ्री जे प्लस में सिक्स के, और मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए और आगे रिजल्ट क्या बन जाएगा, यदि मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो n कैप मुझे मिल जाता है 2i माइनस 3j प्लस 6k डिवाइड। अब ये 36 और 4 40 और 49, और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7। तो यहां से मुझे n कैप भी मिल गया। अब फॉर्मूला में पुट कर दीजिए और वेक्टर इक्वेशन लिख लीजिए, तो क्या आंसर आ जाएगा, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। यस, सो r वेक्टर इज इक्वल टू क्या, r वेक्टर डॉट n कैप, n कैप क्या आ गया 2i माइनस में 3j प्लस में 6k डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू p, और p की वैल्यू है 4। सो r वेक्टर डॉट 2i माइनस में 3j प्लस में 6k 7 इंटू 4 28, दिस वन इज द वेक्टर इक्वेशन। ये आपका क्या आंसर आ गया, कितना सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 29 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। इसका मतलब फिर से ओरिजिन है, तो क्वेश्चन ये बिल्कुल सेम टू सेम है, करिए सॉल्व।
क्या गिवन है हमें यहाँ पर, पी। पी कितना है यहाँ पर, 6/29 स्क्वायर रूट। उसके बाद n इज नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल मतलब आपको n गिवन है 2i माइनस में 3j प्लस में 4k। तो यहां से हम यूनिट कैप निकाल सकते हैं, यूनिट वेक्टर n वेक्टर डिवाइडेड बाय n वेक्टर का मॉडुलस। क्या रिजल्ट आ जाएगा, 2i माइनस में 3j प्लस में 4k, और मॉडुलस निकालेंगे 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो वी गेट 2i माइनस में 3j प्लस में 4k डिवाइड बाय 16, 25 और 4 29 स्क्वायर रूट 29। अब फॉर्मूला आपको पता है, क्या वो होती है वेक्टर इक्वेशन, r डॉट n कैप इज इक्वल टू p। r वेक्टर आपको पता है एज इट इज लिखना होता है, n वेक्टर हमारे पास आ गया 2i माइनस में 3j प्लस में 4k डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 29 इज इक्वल टू p, और p भी आपको गिवन है 6/4 root 29। इसको ऐसे ही आपके बुक्स में आंसर दिया गया है, लेकिन इस बुक्स बेटर होगा कि आप स्क्वायर रूट 29 से स्क्वायर रूट 29 कट कर लीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, r वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस में 3j प्लस में 4k इज इक्वल टू 6। तो ये आपका बेस्ट आंसर काउंट होगा। इस टाइप से कोशिश अवॉइड करिए, इस टाइप का आंसर मत लिखिए, क्योंकि रूट 29 को 10 कैंसिल आउट हो रहा है, तो सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखिए इसको आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। अगेन क्वेश्चन फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब सेम टू सेम। चेंज क्या आया अब देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या गिवन है इसका, मतलब ओरिजिन पी, तो p की वैल्यू 5 यूनिट हो गई। n has -1 2 1 2 as the direction ratio दिया है आपको, dr दे दिए किसके, of a normal vector। तो dr of a normal vector, और आपको पता है normal vector क्या होता है, n vector। तो इसका मतलब हमें n किसके dr दे दिए, n vector के। तो n vector हमारा क्या बन जाएगा यहां से, dr आपको क्या गिवन है -1 2 2, तो n वेक्टर क्या बन जाएगा माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस में 2k कैप। n वेक्टर आ गया, आपको पता है नॉर्मल फॉर्म के लिए यूनिट कैप निकालना होता है, तो n वेक्टर डिवाइडेड बाय n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। n वेक्टर का इज माइनस आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 2k कैप डिवाइडेड मैग्नीट्यूड निकालेंगे, माइनस वन का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, इट मींस 3 आ गया, माइनस आई प्लस में 2j प्लस में 2k, और ये 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 3। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, r डॉट n कैप इज इक्वल टू p। n कैप क्या आ गया आपका, माइनस आई प्लस में 2j प्लस में 2k कैप डिवाइड बाय 3, और p की वैल्यू क्या है 5। तो यहां तक भी आंसर रख सकते हो, और इसको और करके सॉल्व करना चाहते हो तो r वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस आई प्लस में 2j प्लस में 2k इज इक्वल टू 15। दोनों फॉर्म में आप आंसर लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया, बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4th के दोनों पार्ट्स थे, बस डायरेक्शंस वेक्टर नॉर्मल ना देके उसके dr दे दिए, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल वेक्टर जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में dr दे रखे, तो dr ही क्या बन जाएंगे आपके, नॉर्मल वेक्टर बन जाएंगे, सिंपल सी बात। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 6। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इज दिस। वेक्टर इक्वेशन दे दिया आपको, आपसे कहा वेयर 2i माइनस j प्लस 2k, इट मींस ये वेक्टर, ये क्या है आपका, नॉर्मल टू द प्लेन, इसका मतलब कि नॉर्मल वेक्टर हो गया n वेक्टर। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, और लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर मींस p निकालना है, तो p कैसे निकालोगे और क्या चीज गिवन है, आपको ये पता है हमें ये गिवन है r वेक्टर 2i माइनस j प्लस 2k इज इक्वल टू 9, ये गिवन है,
और वी नो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है होगा प्लेन की, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, क्यों? तो ये फॉर्म में गिवन है आपको। इसका मतलब यहां पे आपको एन वेक्टर गिवन है, टू वाई माइनस में जे प्लस में टू के, और आपको क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है परपेंडिकुलर की फ्रॉम द ओरिजन, ओरिजन का मतलब पी निकालना है। अब पी में इसको चेंज करना है, कैसे चेंज कर सकते हैं, यदि हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, क्या वेक्टर होता है, एन कैप अपॉन में एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो दिस बिकम्स टू आई माइनस में जे प्लस में टू के कैप डिवाइडेड मैग्नीट्यूड, टू का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, टू का स्क्वायर 4। तो यहां से रिजल्ट क्या मिल गया हमें, टू आई माइनस में जे कैप प्लस में टू के कैप 4, 4 8 और 1 9 का कैप स्क्वायर रूट 3। तो यहां से हमें क्या मिल गया, एन कैप। और आपको पता है ऑल्सो आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू क्या होता है, पी, और पी ही हमारा क्या होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होती है, कहां से, फ्रॉम द ओरिजिन से। तो आपको इसको इस फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो सिर्फ डिफरेंस क्या, देखो आर वेक्टर यहां पर एन वेक्टर है, यहां पर एन कैप है, तो एन वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता ही नहीं, एन वेक्टर को एन मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हम किससे डिवाइड कर देते हैं इसको, बाय 3। तो इस इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए बाय 3। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यस, अब मैं इसको रब कर देता हूं यहां से। हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 3 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, आर डॉट टू आई माइनस जे प्लस टू के कैप डिवाइड बाय 3, और ये 9/3। तो 9/3 करके क्या आ गया, 3, और ये आर बन गया, और ये क्या बन गया, एन कैप। तो आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू क्या होता है, पी होता है, इसका मतलब पी इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 यूनिट। तो आपका आंसर आ गया 3 यूनिट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जब भी कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, जो मैग्नीट्यूड आएगा उससे डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड से ये एन वेक्टर को डिवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर। और जब यूनिट वेक्टर में चेंज हो जाती है नॉर्मल फॉर्म, तो वो आपको क्या देता है, पी, और पी होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से, तो ओरिजिन से आपका डिस्टेंस निकल गया 3 यूनिट। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन में गलती मत करनी। तो यही चीज पजल वाली थी, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती करते हैं, समझ नहीं आती उन्हें क्या प्रॉब्लम आती है इसमें। तो यही चीज मेन प्रॉब्लम आती है कि वो एन कैप और एन वेक्टर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। यदि आपको डिफरेंशिएट समझ आ जाता है तो ये क्वेश्चन इजी बन जाएंगे। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। आपको डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं, इट मीन्स एल एम एन। और आपको पता है एल एम एन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको फोकस किस पे करना है, अपनी इक्वेशन पे फोकस करना है। आर वेक्टर डॉट 6i माइनस 3j माइनस में 2k। जब भी कोई कॉन्स्टेंट पार्ट है, सबसे कॉन्स्टेंट पार्ट को सबसे पहले राइट साइड पे लेके जाना है, इज इक्वल टू क्या बन गया, नेगेटिव 1। क्योंकि आपको पता है कोई भी नॉर्मल फॉर्म है, यहाँ पर जो पी या क्यू आता है वो डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब इस नेगेटिव को हमेशा रिमूव करना है। इस नेगेटिव को इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, ये आर डॉट माइनस 6i प्लस 3j कैप प्लस में 2k कैप इज इक्वल टू 1। यदि हम इसको कंपेयर करें, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा,
क्या उससे कंपेयर करें, तो यहां से आपको n वेक्टर मिल जाएगा। n वेक्टर क्या मिल जाएगा, माइनस सिक्स आई प्लस में 3 से प्लस में 2 के। और n वेक्टर जब आपको इस टाइप से फॉर्म में गिवन होता है तो यहां पे n वेक्टर क्या डिनोट करता है, ए आई बी जे और सी के। इसका मतलब यहां से आपको क्या मिल जाते हैं, डी आर। तो यहां से हमें डी आर मिल जाते हैं कि माइनस सिक्स थ्री और टू। और डी आर से आपको डीसी निकालना आता है, क्या फैमिली होती है, ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करके। तो ए इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको पहले, तो ए की वैल्यू माइनस सिक्स, माइनस सिक्स का स्क्वायर 36, सी का स्क्वायर 9, टू का स्क्वायर 4। इट मीन्स माइनस सिक्स अपॉन में 36, 4, 49, और 49 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7। यही होगा। ऐसे ही आपको पता है सेकंड वैल्यू क्या है, 3। और डिवाइड में यही टर्म आती है। थर्ड वैल्यू क्या है, 2, डिवाइड में 7। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इट्स सो सिंपल, क्लियर। तो n वेक्टर निकाल लीजिए, n वेक्टर से आपका नॉर्मल से आपके क्या मिल जाएंगे, dr मिल जाएंगे, और dr से आप dc निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था आपका सिंपल सा। तो आई होप आपको समझ आ गया है, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, 7th का सेकंड पार्ट वही है, आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है। अब ये फॉर्म आपको पता है, ये फॉर्म कौन सी फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन। क्या होती है कार्टेशियन फॉर्म, ax plus by plus cz is equal to d। इट मींस यहां से आपको ये पता है dr हमारे क्या गिवन से, 2 3 और -1। dr से आप dc निकाल सकते हैं। dc के लिए क्या करना पड़ता है आपको, 2 डिवाइडेड बाय ये आपका a b c है, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर 1। तो आंसर क्या आ जाता है, 2 अपॉन में 9 और 4 13 और 1 14। इसी टाइप से ये 3 अपॉन में रूट 14 और ये -1 अपॉन में क्या आ गए, रूट 14। तो ये आपका क्या आ गया, सिंपल आंसर आ गया। क्लियर हुआ। जब भी आपको क्वेश्चन दे दी जाए कंपेयर कर दीजिए, ax plus by plus cz is equal to d। तो यहां से a b और c की वैल्यू मिल जाएगी आपको। a b c क्या होते हैं, dr होते हैं, और dr से dc निकालना आपको सीख रखा है। तो आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो, dc निकाल सकते हो। अदरवाइज नहीं समझ आता है तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले इन सभी का कोफिशिएंट कर लीजिए, सभी का कोफिशिएंट। और सभी का देखिए, जैसे इसको दूसरी फॉर्म में करते हैं तो इसको काट कहां किसमें चेंज करना पड़ेगा, पहले इसको वेक्टर में। तो ये क्या बन जाएगा, r डॉट 2i प्लस 3j, या डायरेक्ट भी कर सकते हो, जो कोफिशिएंट्स है इनका स्क्वायर कर का सम कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यहां से आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू 2, 3 और -1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर 1। इट मींस रूट 14 मिल गया आपको। अब रूट 14 से यदि हम इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई रूट 14, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 बाई रूट 14 x प्लस में 3 बाई रूट 14 y माइनस में 1 अपॉन में रूट 14 z इज इक्वल टू 5। अब जब आप इसको डिवाइड करते हो तो ये किससे कंपेयर हो जाती है, lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू d, d कह रहा हूं p से। तो यहां से आपको कंपेयर करो, l की वैल्यू क्या बन गई, 2 बाई रूट 14, m की वैल्यू 3 बाई रूट 14 और n की वैल्यू -1 बाई रूट 14। तो सेकंड तरीका ये होता है। तो जो भी आपको आसान मेथड लगे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको दोनों मेथड समझ आए। पहले dr से dc डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या आप जितने भी कोफिशिएंट का स्क्वायर करके अंडर रूट निकाल लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद अपनी कोसाइंस वाली इक्वेशन से कंपेयर करिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया है, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 8, रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये प्लेन की इक्वेशन दी हुई है,
टू द नॉर्मल फॉर्म में आपको उसको रिड्यूस करना है एंड हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, इट मींस आपको पी फाइंड आउट करना है टू द प्लेन. ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस मींस आपको एल एम और एन फाइंड आउट करना. क्वेश्चन काफी इजी है क्योंकि अभी तक हम नॉर्मल फॉर्म में ही कन्वर्ट करते आए थे. तो इक्वेशन देखिए, इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस टू वाई प्लस में टू जेड इज इक्वल टू 6. तो आपको पता है यहाँ पर यदि हम dr की बात करें, इसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू क्यों, क्योंकि p नहीं, अभी हम इसको क्या मानेंगे क्यों. तो यहां से आपको a b c की वैल्यू मिल जाएगी, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2, c इज इक्वल टू 2. ये चीज समझा गई, हमने क्या लिखा, ये हमारी इक्वेशन थी, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करा, ax plus by plus cz is equal to q. तो यहां से आपको dr मिल जाएंगे, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 2, c की वैल्यू 2. अब आपको पता है आप पर क्या निकालना होता है, इनका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, क्या रिजल्ट आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 और प्लस 2 का स्क्वायर भी 4, इट मींस 9 और 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 3. तो जो हमारी इक्वेशंस है अब इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय किससे डिवाइड कर दो, 3 से, क्या बन जाएगा ये 1 बाय 3x माइनस 2 बाय 3y प्लस 2 बाय 3z is equal to 6/3. और जब आप इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये किस फॉर्म में चेंज हो जाती है, lx plus my plus nz is equal to p. ये चीज समझ आ गई, जब आपको इक्वेशन दी जाती है dr के टर्म्स में होती है, जब आप a square plus b square plus c square का स्क्वायर रूट से इसको डिवाइड कर देते हो तो वो किस फॉर्म में चेंज हो जाती है, dc फॉर्म में, और dc फॉर्म ये होती है. तो अब इसको कंपेयर करेंगे, यहां से आपको p, p की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 2, तो p की वैल्यू हो गई आपकी 2 यूनिट, ये आंसर आ गया. दूसरा क्या निकालना था आपको, dc डायरेक्शन कोसाइंस, और डायरेक्शन कोसाइंस पता है, देखिए कंपेयर करिए, x के साथ जो होता है वो l होता है, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गई 1/3, m की वैल्यू क्या आ गई -2/3 और n की वैल्यू क्या आ गई 2/3. आई होप आपको समझ आ गया है, प्लीज मेक अ नोट. तो बारे देखिए, जब भी आपको इक्वेशन दे दी जाए और आपसे लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन मांग, तो आपको रिड्यूस करनी है इसको नॉर्मल फॉर्म में, तो ये आपके क्या हो जाती है, नॉर्मल फॉर्म. ये कार्टेशियन इक्वेशन है, इसको कह सकते हो ये क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन है, किस फॉर्म में, इन नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, तो क्वेश्चन ये था, रिड्यूस करना था कार्टेशियन फॉर्म को इनको नॉर्मल फॉर्म में, तो हमने इसको रिड्यूस कर दिया इस फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में. और नॉर्मल फॉर्म से ही आपको क्या निकल जाता है, परपेंडिकुलर निकल जाता है, पी निकल गया आपका, और एल एम एन ये डीसी होते हैं, तो यहां से डायरेक्ट कंपेयर करके आपके क्या निकल गए, डायरेक्शन कोसाइन. तो आपसे लेंथ ऑफ द ओरिजिन पूछी थी और डायरेक्शन कोसाइन पूछे थे, तो सभी क्वेश्चन इसी स्टेप से सॉल्व हो गए. आई होप आपको समझ आएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, प्लीज मेक अ नोट. Now look at the board, question number 9. Find the coordinate of the foot of the perpendicular drawn from the origin. यदि आपको perpendicular find out करने हैं, foot of the perpendicular, कहां से, from the origin on the plane पर, उसका direct formula होते हैं, note कर लीजिए इसको, यदि आपने नहीं किया तो, foot of the perpendicular, इसको आप formula में note कर सकते हो. तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होता है आपका LD, MD, MD, ये होते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, या कह सकते हो कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. तो इसको फॉर्मूले में हेड नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है, वन मार्क्स का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली यहां से पूछा जाता है. तो इट्स सो सिंपल, आपको पता है एल एम और एन, और सॉरी डी की वजह मैं आपको पी लिखता हूं, याद रहेगा एल पी एम पी और एन पी, पी आपको पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस.
अब यहाँ देखिए एल पी निकालना था आपको एम एन, ये डायरेक्शन कोसाइन्स है, और पी क्या होती है, लेंथ होता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। इसके लिए क्या करना होता है, अपनी इक्वेशंस को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना होता है। तो हमारी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको रिड्यूस कर रहे हैं इन नॉर्मल फॉर्म में, रिड्यूसिंग इट इनटू नॉर्मल फॉर्म। तो हम इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था, कोई कांस्टेंट है इसको राइट साइड में मूव कर दीजिए, प्लस का 6 हो गया। फिर हमें ये पता है जब हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू पी से कंपेयर करते हैं, तो यहां से ए की वैल्यू क्या मिल जाती है, 2, बी की वैल्यू माइनस 3, सी की वैल्यू क्या मिल जाती है, 4। फिर हम क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। So, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इट मींस क्या वैल्यू आ गई, स्क्वायर रूट 29, क्योंकि 16, 40, 29 यह वैल्यू आ गई। अब आपको पता है जो ये वैल्यू आती है उससे क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन हुआ। अब डिवाइड करिए, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय, किससे डिवाइड करना है इसको, रूट 29 से करिए डिवाइड इसको, सॉरी इसको इक्वेशन में। सो ये क्या बन जाएगा, 2 अपॉन में रूट 29 एक्स माइनस में 3 अपॉन में रूट 29 वाई प्लस में 4 अपॉन में रूट 29 जेड इज इक्वल टू 6 अपॉन में रूट 29। सेम, बिल्कुल सेम स्टेप है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। अब आपको पता है इसको आप किससे कंपेयर करते हैं, अपनी नॉर्मल फॉर्म से। अब कंपेयरिंग करेंगे इसको नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, एल एक्स प्लस में एम वाई प्लस में एन जेड इज इक्वल टू पी, यही फॉर्म होती है। तो इसके लिए प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार, आई होप आपने नोट कर लिया है। अब आपको पता है मैंने डायरेक्टली लिखवाए हुए फोटो ऑफ द परपेंडिकुलर डायरेक्टली निकाल सकते हो एलपी एमपी और एनपी। तो एल की वैल्यू देखो यहां से कंपेयर करते हो एक्स के साथ होता है एल, तो एल की वैल्यू यहां पर क्या आ गई, 2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 29, एन की वैल्यू क्या है माइनस 3 अपॉन में स्क्वायर रूट 29 और एन की वैल्यू है 4 अपॉन में स्क्वायर रूट 29 और P की वैल्यू कितनी आई है, P राइट साइड में होता है, P की वैल्यू है 6 अपॉन में स्क्वायर रूट 29। तो अब हमारे फोटो ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होंगे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फुट, पहला कोऑर्डिनेट क्या था L इनटू P, L की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन में रूट 29 और P की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन में रूट 29। दूसरा m इंटू पी, m की वैल्यू माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 29 और p की वैल्यू 6 अपॉन में रूट 29। सिमिलरली n p, n यहां पर क्या है 4 अपॉन में स्क्वायर रूट 29 और p है आपका स्क्वायर रूट 6 अपॉन में 29। यही होगा, अब मैं इसको रब कर देता हूं यहां से, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 इंटू 6 स्क्वायर और रूट 29 इंटू रूट 29 29 हो गया, माइनस 18 बाई 29 और 6 4 का 24 अपॉन में 29, ये आपका क्या आ गया, सिंपल है बिल्कुल। क्या करा, कोई चेंज नहीं करा, सिर्फ वही सभी सब स्टेप सेम करें। सबसे पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लिया, वहां से हमने एल एम एन निकाल लिया और पी निकाल लिया, और कोऑर्डिनेट आपको पता है फोटो ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होते हैं, एल पी एम पी और एन पी। तो वहां पर एल इंटू पी एम इंटू पी और एन इंटू पी, उससे क्या निकाल लिया, आंसर निकाल लिया। कितना इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आ गया है, तो प्लीज मेक अ नोट। सो अभी हमने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कर ली है जो बेस्ड ऑन द नॉर्मल फॉर्म पर है।
अब हम सेकंड स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से यदि इक्वेशन प्लेन पास होता है और वो प्लेन परपेंडिकुलर होता है टू अ गिवन नॉर्मल वेक्टर के, तो उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जब आपको कोई एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो और वो एक पॉइंट से पास होती हो और वो परपेंडिकुलर हो टू अ गिवन वेक्टर, ये है हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।